इस वीडियो को आगे देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल टेको व्हील्स को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल टेको व्हील्स। आज का जो वीडियो होने वाला है उसका टॉपिक ये है कि फोर्ड के इंडिया के एग्जिट के बाद सर्विस में क्या कुछ खासा दिक्कत आ रहा है, या किसी पार्ट की किल्लत शुरू हो चुकी है, या अभी भी फोर्ड पहले की तरह सीमलेस और अफोर्डेबल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैंने अभी रिसेंटली अपना सेकंड सर्विस कराया और तो मैं उसका आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों तो अब मैं शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस सर्विस सेंटर पे। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपनी सेकंड सर्विस कराई है। ओडोमीटर पे रनिंग था केवल 5000 किलोमीटर, लेकिन क्योंकि 25 दिसंबर को मेरा एक साल कंप्लीट हो जाता, मेरे व्हीकल को 25 किए, जो कि इको स्पोर्ट एस डीजल मॉडल 2020 जो कि मैंने लुधियाना से परचेज़ की थी। लेकिन अभी मैं शिफ्ट हो चुका हूँ गुड़गांव, तो यहाँ पे मेरे सर्विस सेंटर में कोई भी नोन नहीं था, ना ही हरप्रीत फोर्ड ना ही तनिष फोर्ड। तो मैंने कई ग्रुप पे सजेशंस मांगे तो उसमें ये निकल के आया कि हरप्रीत फोर्ड इज़ बेटर। तो मैंने अपनी कार को वहाँ लेके गया और देखे क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा। जी हाँ दोस्तों, गाड़ियाँ ज़्यादा होने के कारण, क्योंकि कल वीकेंड था, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी, तो मेरे को टाइम लग गया। सुबह आई थिंक 10 बजे मैं सर्विस सेंटर पहुँच चुका था, लेकिन मुझे शाम को फ्री होते होते 5 बज गए। लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा रहा, ओवरऑल इज गुड, पूरा प्रोसेस अभी भी फॉलो हो रहा है। तो इस वीडियो के बीच बीच में मैं ऐड करूंगा कुछ शॉट्स जो कि मैंने सर्विस सेंटर के अंदर लिए हैं। इसमें आपको दिखेगा कि कितनी मात्रा में गाड़ियां हरप्रीत फोर्ड के अंदर खड़ी हुई थी, और सारी गाड़ियां वेल अटेंड की जा रही थी और सारी गाड़ियों को अच्छे से मैनेज किया जा रहा था, किसी पार्ट की कोई दिक्कत नहीं थी और हर कुछ प्रोसेस फॉलो किया जा रहा था। और बंदे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, उन्होंने कोऑपरेट किया और सारे प्रोसेस को जल्दी से जल्दी पूरा कराया। और मेरे को इंश्योरेंस का भी रिन्यूअल कराना था तो मैंने उनसे नंबर लिया, उन्होंने इंश्योरेंस वालों का भी नंबर दिया कि आप यहाँ से रिन्यू करा लो। तो ओवरऑल इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस। आप बीच बीच में जो शॉर्ट्स है उसको देखिए और कंपेयर कीजिए, मेरे हिसाब से तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस। दोस्तों अगर हम बात करें कि कैसा कुछ रहा एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस तो मैंने बता दिया अपना कि बहुत अच्छा था, कोई इशू नहीं था। गाड़ी भी मैंने वहाँ से चला के लाया, मैं ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर वहाँ से था मेरा घर, तो गाड़ी में भी कोई इशू नहीं है, उन्होंने अच्छे से वेल नीट एंड क्लीन दिया है गाड़ी। और बात करते हैं कि कैसा रहा एक्सपीरियंस दोस्तों, क्योंकि गाड़ियाँ फोर्ड की बहुत ज़्यादा हैं सड़कों पर, तो अचानक से तो फोर्ड चली गई, लेकिन सर्विस सेंटर का जो बिजनेस है वो अच्छा चलेगा। उसका रीज़न ये है कि गाड़ियाँ सड़क पे बहुत ज़्यादा हैं और इनकी टॉप सेलिंग कार जो कि एंडेवर और फोर्ड इको स्पोर्ट है, ये दोनों अभी रिसेंट तक बिकी हुई हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि फोर्ड ने जो प्रॉमिस किया कि 10 साल तक वो सर्विस देते रहेंगे, तो आप एक बार सर्विस सेंटर चले जाओ किसी भी वीकेंड पे, तो आपको लगेगा कि हाँ सर्विस सेंटर कंटिन्यू होगा। उसका रीज़न ये है कि गाड़ियां बहुत बिकी हैं फोर्ड की। फोर्ड आज से इंडिया में नहीं है, फोर्ड को इंडिया में आए हुए 20-25 साल हो चुके थे, फोर्ड ने अचानक से रैपअप कर दिया क्योंकि लॉस मेकिंग था। लेकिन जो गाड़ियाँ सड़क पर ऑलरेडी हैं उनको सर्विस देनी पड़ेगी, और सर्विस सेंटर से उनका अलग इनकम का सोर्स है वो भी बरकरार रहेगा। तो मेरे हिसाब से जो है ऐसा मुझे देख के लगा कि मुझे नहीं लगा कि कोई किल्लत आने वाली है, क्योंकि उन्होंने बताया कि 4 बड़े शहरों में उन्होंने अपना जो कि है पार्ट्स के डिपो भी बनाए हुए हैं और सर्विस सेंटर भी बरकरार रहेगा। तो जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे लगता है कि ये गाड़ियाँ चलती रहेंगी और सर्विस भी होती रहेंगी। तो इसलिए दोस्तों किसी भी तरह की कोई टेंशन की बात नहीं है, बिंदास अपने बीस्ट को चलाओ और मजे करो। हैप्पी राइडिंग।